मास्टर जी। हे बटले, कौन है तू? देवानंद जी गुरुजी, धुलाए राग लगा। ओके गुरु। कौन है रे जिसने कला और कलाकार को रोका? तूने तूने ए क्या तूने? मास्टर जी क्यों रे, तूने श्वेता को डांस करने से रोका? ए डांस के बारे में तू एबीसीडी भी जानता है क्या? ये है सड़क छाप डांस, ये है चांदनी बार डांस। घूर क्यों रहा है रे? बोलना आज तेरा मौन व्रत है क्या? भाई साहब, इसकी तो मेरे सामने बोलती बंद हो गई। ए, सर धंधा करने वाला ही असली मर्द नहीं होता? जो मेरा दिल जीत ले वही असली मर्द। इतनी बार का सुबह सुबह मर्डर की न्यूज मत दिखाया करो। ए, मेरा गुस्सा इन अमलाओं पर क्यों उतार रहा है? मुझसे बात कर, मुझसे, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। छे 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 छे। भाई साहब, जनाब, मुझ में कांटे लगे हैं क्या? ये मुझे समझ ही नहीं रहा, इसे मुझे समझने के लिए बोलिए ना। आपकी तो उम्र हो गई है, ये तो भी जवान है। मैंने कितनी बार बोला है कि जब भी मैं किसी को टपकाऊं तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया करोगे? अब तक मैं मुर्दे से बात कर रहा था, मुर्दा देख के कुर्ता हिल गया। देवानंद गुरुजी, जल्दी से, घबराहट राग लगा, गलती से मिस्टेक हो गई। अगर मेरी बिना हड्डी की जुबान फिसल गई हो तो मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। श्वेता को नहीं नचाना चाहते तो उससे शादी कर लीजिए, उसके बदले मैं नाचूंगा। अगर आप अपना ये बड़ा सा हथियार हटा लेंगे तो मैं बिना टिकट गांव चला जाऊंगा। मुझे बुलाया? थोड़ी देर पहले बड़े इमोशनल डायलॉग मार रहा था, जरा फिर से एक बार बोल के बता। गुस्से में आप इमोशनल हो रहे हैं? सिर्फ धंधा करने वाला ही असली मर्द नहीं होता, मर्द वही जो मेरा दिल जीत ले। मेरे बोल बचन में दम है मास्टर, मैं श्वेता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जा ले जाओ। थैंक यू। ए विद्या बालन, अगर कोई मर्द श्वेता के आसपास दिखाई दिया तो तेरी 5 फीट की बॉडी 50 फीट के गड्ढे में होगी। मुझे 50 फीट के गड्ढे से नहीं, आपके डायलॉग से डर लगता है। लेट्स गो, नहीं तो लिटा देगी। सुबह सुबह बहुत मूड में तू, क्या बात है राजा? तू मेरे बारे में सोच रहा है ना? श्वेता को याद कर रहा हूँ। रात में तो तू उसे भूलने की बात कर रहा था। दलवी होने के बाद आदमी कुछ भी बोल देता है रे। अरे थम 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 थम, अरे रुक रुक, तेरे को ड्राइविंग लाइसेंस किसने दिया? बाहर निकल। कल जो कहा था उसके बारे में कुछ सोचा? मैं हाँ समझू, बात पक्की है? लगता है डिलीट हो गया है, मैं फिर से इंसर्ट करता हूँ। आई लव यू। तुम पढ़ना चाहते हो? हाँ, तुम्हारे प्यार में खल्लास भी होना चाहता हूँ। क्या रे, मेरी तरफ ध्यान देना, मेरे लिए खल्लास होना बोल तैयार है क्या? तू कौन रे बाबू राव? एक जिम्मेदार भारतीय। पर शक्ल से लगते हो शरारती है। कैसा लगता हूँ? थोड़ा सा वैसा। क्या बोला? ए वाला छोड़ो मुझे, तुम रास्ते के हर गाड़ी को अपने फटफटी से कुचलना चाहते हो? तुम जैसों का ध्यान सिर्फ लड़कियों पर रहता है। तेरे थोबड़े पे मर्दाना हाथ पड़ेगा तो सारी मर्दानगी निकल जाएगी। मेरा हाथ जिस पर भी पड़ा वो कभी नहीं उठा। तुम्हें मेरी चेली चाहिए ना, तो तुम्हें पहले इस गुरु का सामना करना होगा, समझ के? छोड़ो मुझे, आज मैं हाथ मुझे मिटा के ही रहूंगा। गजा, तेरी भाभी के करीब जाने के लिए मेरे को इस देव पुटी के करीब जाना होगा। तो डिनर में दूसरी लड़की, कितनी लड़की की जिंदगी के साथ खेलोगे इस करकी में? ए सविता भाभी, ये बता, ये तुम्हें इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है? कहीं तुम अकेले में इससे तो सपोर्ट नहीं कर रही? इस चिपकली में ऐसा क्या है? इस बोतल से भी इसकी कम हाइट है रे। ए तू खामो का मुझ पे शक कर रहा है, मैं चाह के भी इसके साथ कुछ नहीं कर सकता। मेरी एज जानता है तू? 45, एकदम स्टिल वर्जिन। तुम कौला है रे? अभी तक किसी ने छुआ नहीं, समझे? सविता भाभी, खुलिए मेरे ताले की चाबी। छैया छैया करे ताता थैया, तू खड़े दिल पे वार नहीं कर सके। क्या बाती या फिर इज्जत गवाती? ये सब फिर हो जाने के बाद भाभी, 45 साल के गुड़ की गली साड़ी लेकर कहाँ चली? चल चल भाभी। सविता, लिखूंगा तेरे लिए कविता, मिलके खाएंगे पपीता। जब मारी मैं हाथ डाल रहा, तू उंगली कर रहा है।
तू नियत इसका कर रहा है और कपड़े मेरे फाड़ रहा है। कोल्हापुरी मिर्च मेरे होते हुए तू किसी और करे कैसे कर सकता है? राजा सविता भाभी राजा सविता भाभी बीवी भाभी ये काय साला तू आज चादरी छोड़कर क्यों चली गई? चोरी जमने से पहले तू मेरे खड़े अरमानों पर पानी फेर कर चली गई। ये क्या किया तेरी वजह से? अरे मार डाला तूने इसे? अरे क्या किया मार डाला तूने इसे? मैंने इसे नहीं मारा। फूल को भी फूल पे गिरने से मरती है क्या? एक बार छाल पीकर घास पर गिर कर ये कोमा में चली गई थी। देख इसकी कमसिन कोमल नाजुक काया। तुम इसे किस एंगल से कमसिन कह रहे हो? चिंपांजी लेटा हुआ साड़ी पहन के पहले खून करते हो उसके बाद पंच मारते हो। जी टीवी स्टार टीवी सहारा टीवी फालना बंद करो। न्यूज वाले को मत बुलाओ पहले इसको ठिकाने लगाओ। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुम जो बोलोगे वही करूँगा। जो कहूँगा करोगे कसम से मारो। सविता चलो रोज रोज वही डांस और वही ठुमके लगा के मैं दिन ब दिन ढलता जा रहा हूँ और इसीलिए मैंने नया असिस्टेंट रख लिया है जो इस डांस स्कूल का नया मास्टर भी होगा। मास्टर जी वो कौन है? उसके घुंघरों की आवाज से बंद द्वार भी खुल जाते हैं। वो जब दोनों हाथों से ताली बजाता है तो नाग भी उसे सलाम करता है। उसकी चाल देखकर लोगों का चाल चलन ठीक हो जाता है। इतना आकर्षक है वो। गुरुजी की शिष्याओं को मेरा प्रणाम। मास्टर जी आप इसे नहीं जानते। कल रात मैं इसे अच्छी तरह जान गया हूँ। ये बिल्कुल सीता फल की तरह है ऊपर से सच अंदर से पिलपिला। थैंक्स फॉर द तारीफ गुरुजी। देखिए मास्टर जी। श्वेता मास्टर जी से जबान नहीं लड़ाते मैं बात नहीं करूँगा। मास्टर जी हम में से कोई एक ही यहाँ रहेगा। श्वेता मेरे पास बस का पास है तुम यहाँ से नहीं जाओगी मैं ही कल ढी लेता हूँ। मैं सविता भाभी के पास जा रहा हूँ। अपने आप की नहीं सुन सकते तो क्या हुआ? मेरी तो सुन सकते हो ना? मास्टर मास्टर तुम कहीं नहीं जाओ। थैंक यू मास्टर जी। मैं मेरी कसम तुम हिम्मत जाओ। तलांग पिटकटी तलांग पिटकटी तलांग पिटकटी तलांग पिटकटी हवाई चुम्मी तूने क्यों दी? आप ही ने मुझे ये पोज सिखाया ना मास्टर। आंख और होंठ का पोज, आंखें ऐसे चलाओ, होंठ ऐसे हिलाओ। बेटी ये नई कला है, नए गुरु से नई कला सीखो। अब क्या हुआ? मुझे उसकी कमर नहीं दिख रही है। वो क्या तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी है? उसे तुम्हारी गोद में बैठ के डांस करने को कहूं? ए, देखो कट का फायदा मतलब हाथ में रहो वरना तुम्हारी चमड़ी उधर। सविता सविता बेटी आगे आ जाओ। गुड बाय आ जाओ। मास्टर जी आपने नैन मट्टा का पोज कहा था ये टिप टिप पानी बरसा रही है। नया गुरु तुम्हें सिखाएगा चेली। इसका हाथ तो पेस्ट्री की तरह सॉफ्ट है। ये स्टेप ठीक है ना मास्टर जी? तुमने कह दिया तो ठीक है कंटिन्यू। ओके मास्टर जी ये कमर ठीक से नहीं हिला रही है। कमसिन कमर या पानी उमर या मास्टर ये स्टेप ठीक है? पूछो सही गलत का फैसला तुम ही करो। ये कमर इसे लगे मेरी उम्र। तुमने उसे मारा कहीं उसने दिल पे ले लिया तो? गुरुजी आपका नया चेला सुसाइड पॉइंट की तरफ जा रहा है। अरे बाप रे मर्द को सुसु करते देख तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ऐसे देख रहे हो जैसे रोमांटिक फिल्म देख रहे हो। पलटो यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ोगी? फ्री का शो देखने सारे क्यों आ गए? हमें लगा कि यू सुसाइड। आई सुसाइड? आई नो सुसाइड। आई एम साइनाइड। कोई मुझे टचिंग ऊपर पहुंचिंग। पर आपके प्यार और अपनेपन के लिए थैंक यू। मैं दिल से आपको धन्यवाद कहता हूँ। डबल थैंक यू। तुमचा सर्वांचा आभार। तुम लोग इतने खुश क्यों हो? वो मर गया क्या? जिंदा हूँ रे। गुरुजी 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 लगता है आपको मुझे जिंदा देखकर अफसोस हुआ है ना? नहीं 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 नहीं
श्वेता के दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग है रे? तुम एकदम थर्ड क्लास हो, फोर्थ क्लास हो, फिफ्थ क्लास भी हो। मैं ना आपकी फीलिंग्स के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, श्वेता के बारे में पूछ रहा हूँ। वो तुम्हें डिलीट कर देना चाहती है। गलत जवाब। तो ये बताओ, यहाँ आने के बाद भी उसने अपने फियांस को फोन क्यों नहीं किया? जब मैं यहाँ भागता हुआ आया तो वो मैग्नेट की तरह मेरे पीछे भागते क्यों आई? बोलो 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 बोलो। देवा, इसका कुछ करो नहीं तो मुझे बहुत कुछ हो जाएगा। पागल है। तुम हंस क्यों रही हो? कहीं तुम्हें भी तो कुछ कुछ नहीं होने लगा? नहीं नहीं मास्टर जी। ये हंस क्यों रही है पंडित? लगता है श्वेता बदल गई। शुभ समय तो शुरू हो चुका है, अब तो ऐसे चमत्कार हो गई। अरे ये तो ट्रेलर था, अब तो 70 mm की फिल्म बनेगी। गुरुजी, गुरुजी, आप सुसाइड करने क्यों जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? क्लासरूम में जा रहा हूँ। ये क्लासरूम नहीं है गुरुजी, ये समंदर है। समंदर है। देवानंद, जब से वो साइनाइड यहाँ पे आया है मेरे बहुत करीब आता जा रहा है, मुझे डर है कि कहीं मैं उसे चाट ना लूं। देवानंद चले कल्टी मारो। तुम आ गए, ये किस लिए? बर्थडे है तुम्हारा? नहीं आपका, मेरा। ओह इतना मस्का, इसके फूल में जरूर काटे होंगे। बोलो इरादा क्या है? सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, यहाँ के सारे स्टूडेंट को पब में पार्टी देना चाहता हूँ। सारे स्टूडेंट इंक्लूडिंग श्वेता। पार्टी कैसे होगी? चल पार्टी, तू हट, मुझे सब पता है। वहाँ तुम मासूम लड़कियों के साथ पार्टी में क्या करोगे? इतने छापड़ पड़ेगा गिनना मुश्किल हो जाएगा। तुमने मुझे मारा क्या? नहीं आपको वहम हुआ? वाकई नहीं मारा? गुरुजी, लेट्स डू टाटा थैयान बर्थडे पार्टी। उससे ज्यादा मुझे रॉक एंड रोल करना पसंद है। अगर एक बार और पार्टी का नाम लिया ना तो नीचे झुका के पीठ पे पार मार के चमड़ी उधर दूंगा। क्या हुआ गुरुजी? मेरे मुंह से निकलते ही वो काम पूरा क्यों हो जाता है? गुरुजी, शिष्यों के साथ बर्थडे पार्टी। गुरुजी को परेशान मत कर, अब नहीं माना तो गुरुजी तेरी टांगों पर चींटी काटेंगे। तुम्हारे कहे हुए शब्द को ये मेरे ऊपर क्यों आजमा रहा है? गुरुजी, बर्थडे पार्टी। देख अगर गुरुजी को गुस्सा आ गया। बस कर, कुछ मत बोल, मुंह मत खोल।